राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद का एक गीत, कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए। इस गीत को लिखा था योगेश जी ने, लेकिन आनंद फिल्म के लिए नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर एलबी लक्ष्मण की फिल्म अन्नदाता के लिए। जब ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म आनंद की तैयारी में लगे हुए थे, तब एक दिन ऐसा हुआ कि ऋषिदा किसी काम से लक्ष्मण जी से मिलने पहुंचे और उस वक्त उनके साथ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन भी थे। लक्ष्मण जी गीतकार योगेश और म्यूजिक डायरेक्टर सलिल चौधरी के साथ फिल्म अन्नदाता के गीतों की शूटिंग कर रहे थे। उसी समय ऋषिदा राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के कानों में फिल्म अन्नदाता के गीत पड़ा, जिसके बोलते कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सलिल चौधरी की बेहतरीन कंपोजिशन और योगेश जी की बेहतरीन कविता से सजा यह गीत ऋषिदा को इस कदर भाग गया कि उन्होंने फौरन लक्ष्मण जी के सामने ख्वाहिश रख दी कि यह गीत उनकी फिल्म आनंद की सिचुएशन के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, इसलिए अगर उनकी इजाजत हो तो वे गीत अपनी फिल्म के लिए लेना चाहेंगे। ये सुनकर लक्ष्मण जी का मना कर देना स्वाभाविक था, ऐसे कैसे कोई अपनी फिल्म का गीत किसी और को दे सकता है, उन्होंने मना कर दिया। वहां मौजूद राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने भी लक्ष्मण जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण जी टस से मस नहीं हुए। अब किस्मत से अन्नदाता और आनंद दोनों ही फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर सलिल चौधरी थे। सलिल दा ने भी ऋषिदा का साथ देते हुए लक्ष्मण जी से रिक्वेस्ट की और कहा कि फिल्म आनंद में जो राजेश खन्ना का रोल है, किरदार है, उस पर यह गीत काफी फिट बैठता है, और चूंकि अन्नदाता को रिलीज होने में अभी वक्त है, तब तक वो और योगेश मिलकर अन्नदाता के लिए एक और खूबसूरत गीत रच देंगे, लेकिन फिलहाल कहीं दूर जब दिन ढल जाए ऋषिदा को आनंद फिल्म के लिए दे दें। लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि पहले आप मुझे अपनी कहानी और सिचुएशन बताइए, अगर मुझे लगा कि इस सिचुएशन में ये फिट बैठता है तभी मैं ये गाना आपको दूंगा। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहानी सुनाई, आनंद का कैरेक्टर समझाया, सिचुएशन बताई जहां वो इस गीत को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी कन्विंस हो गए कि ये गीत वाकई में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इस तरह से पूरी तरह से कन्विंस होने के बाद उन्होंने ये गीत ऋषिदा को दे ही दिया। तो इस तरह से योगेश जी का लिखा यह खूबसूरत गीत आ गया फिल्म आनंद की झोली में। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।